अब इसको मैं कैमरे को लेके आ गया, ये जो मैं शूट कर रहा हूँ अभी अपने cam6 लेजेंड से शूट कर रहा हूँ, और होपफुली कि इसका जो वाइड एंगल है वो काफ़ी अच्छा आ रहा होगा। जो एक्सटर्नल माइक मैंने इसमें लगाया है, आई विश कि वो भी अच्छे से काम करे, वो भी अच्छे से जो है वॉइस को रिकॉर्ड करे। आई थिंक आगे फाटक बंद है, सो आई हैव टू वेट। सो गाइस, सीन कुछ ऐसा था जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि जो कैमरा है ये मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, ना ही कोई इसका, जो मेरे पास जितने भी तीन प्रोडक्ट थे, एक ट्राइपॉड था, एक एक्सटर्नल माइक था और एक ये cam6 लेजेंड था। सो ये मेरे को स्पॉन्सर नहीं किए गए, तो इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं डालूंगा। आप इजीली अमेजोन ओपन करके ये तीनों प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, cam6 लेजेंड, एक्सटर्नल माइक फॉर cam6 लेजेंड एंड ट्राइपॉड के नाम से आप डालोगे तो वहाँ पर आ जाएंगे बहुत सारे ऑप्शंस। कैमरा का जो कॉस्ट है, सिर्फ कैमरा विद शिपिंग चार्जेस, ये कॉस्ट मुझे पड़ा लगभग 10,499, मतलब वही 10,500 के आसपास। जो एक्सटर्नल माइक है इसका, वो मुझे पड़ा करीब 1700 रुपये का विद डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा नहीं थे, वो अराउंड 40 रुपीज़ थे। और ट्राईपोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो 450 रुपये के लगभग का मुझे ट्राईपोर्ड पड़ा। बट ये कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना मैंने सोचा। गोप्रो के साथ भी मैं जा सकता था, बट गोप्रो मैंने इसलिए नहीं लिया बिकॉज उसका अडेप्टर जो है वो अलग से ख़रीदना पड़ता है। देन अगर आप गोप्रो ले रहे हो तो उसके लिए आपको करीब 15 से 20,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको 2-3,000 का उसका अडेप्टर लेना पड़ता है, देन उसका माइक अलग से आता है। सो इसलिए आई थॉट कि मुझे एकदम से इतना ज़्यादा अपग्रेड नहीं करना चाहिए, मुझे सिर्फ उतना अपग्रेड करना चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट है। सो वाइड एंगल में मुझे पहले इशू रहता था और माइक में मुझे इशू रहता था, जो मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी, उसके लिए मैंने जो है कैमरा और एक्सटर्नल माइक परचेज किया है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है अब यहाँ पे फाटक पे। इट्स ऑलरेडी 9:18 इफ यू कैन सी। इसी के साथ मेरी फोर्थ सर्विस भी डन हो चुकी है मेरी एंटॉर्क की, और मैंने अपनी एंटॉर्क चलाई है 8,881 किलोमीटर अब तक। और इसकी सर्विस रिसेंटली जिन मैंने सर्विस कराई थी अपनी एंटॉर्क फोर्थ सर्विस, काम काफ़ी अच्छा हुआ, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई और ना ही कोई प्रॉब्लम मेरी एंटॉर्क में आई। सो गाइस, फाइनली मैंने फाटक क्रॉस कर दिया। आई एम सो सॉरी टू से दैट, बट मेरे जो कैमरा है मेरा, एक्शन कैमरा cam6 लेजेंड, इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन है, क्योंकि जब मैंने इसको परचेज किया है तो मतलब अभी परसों ही आया है तो मैंने इसको चार्ज नहीं किया अभी तक। सो इसलिए मैं व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, और आपको बताना चाहता हूँ जो लोग चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमिंग सून, बहुत ही जल्दी, सिर्फ 1 या 2 महीने के अंदर अंदर मेरा एक रोड ट्रिप प्लान है, तो वो राइड काफ़ी लंबी होने वाली है और आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आएगा सीरीज देखने में। सो होप करता हूँ आपको ये वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा। अभी कुछ मॉडिफिकेशंस की भी मुझे वीडियो बाकी है, क्योंकि उस रोड ट्रिप के बिहाफ पे मुझे कुछ मॉडिफिकेशन भी करानी है अपने व्हीकल में। सो मेक श्योर कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन पता चलती रहेगी। जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। लाइव अपडेट्स पाने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का नेम आ रहा होगा यहाँ पे कहीं, आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं इंडिया ऑन टू व्हील्स के नाम से। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी दूसरे ब्लॉग में, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज इंडिया ऑन टू व्हील्स, बाय बाय।